Let us understand this idea, my dear student. Linearly dependent vectors. And this is a very important topic because students normally try to memorize this concept, this definition, but when you know it, no need to memorization. You will get the idea. Linearly dependent vector. Okay, linearly dependent vectors, very simple. I'm going to give you example in R square, vector space R square, okay, bachcho? And you will tell me the answer. You will yourself give me the concept. No problem at all, focus. One of you will answer me, inshallah. This V is equal to R square, field I'm taking R. Okay, so this is a vector space. Ye maine vector space le liya. Achha. Let us pick two. Let me pick two vectors. Suppose we have a box over here. Yahan ek box sa pada hua hai. So suppose this is a box. Okay, and this is a box. Okay, suppose one student is stretching that box in this direction. एक स्टूडेंट आप में से है इस डायरेक्शन में उसको इस बक्से को खींच रहा है ठीक है और जो वो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स वो लगा वो जो वेक्टर है फोर्स वेक्टर है सपोज मैं उसको F1 कहूँ या उसको मैं V1 कह देता हूँ ताकि आपको आसानी हो बच्चों सपोज वो उस बक्से को खींच रहा है इस डायरेक्शन में और उसके वो जो फोर्स को खींच रहा है वो 2 और 0 है ये वो फोर्स वैक्टर है बक्से को खींच रहा है इस डायरेक्शन में अच्छा दूसरा स्टूडेंट जो इसी बक्से को खींच रहा है दूसरे डायरेक्शन में तो वो इस डायरेक्शन में खींच रहा है बक्से को और वो उसको खींच रहा है -1 और 0 ये दूसरा वेक्टर है ठीक है अनदर स्टूडेंट इज पुलिंग इन दिस डायरेक्शन दैट बॉक्स ओके ओके सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स या वो वैक्टर जो एक दूसरे पर इनसार करते हैं देखो इनसार का मतलब क्या है इनसार का मतलब ये कि एक दूसरे को रोक सकते हैं एक दूसरे को स्टॉप कर सकते हैं एक दूसरे की ताकत को खत्म कर सकते हैं या एक दूसरे को मदद दे सकते हैं दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर सो इट मींस लाइक दैट तो वो वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे कि वो एक दूसरे पर क्या करते हैं इनसार करते हैं एक दूसरे को असरअंदाज कर सकते हैं एक दूसरे को असरअंदाज कर सकते हैं अच्छा तो मैंने आपको देखो इन ऑर्डर टू टेल यू दैट कॉन्सेप्ट मैंने वेक्टर स्पेस ले लिया आर स्क्वायर ठीक है फील्ड मैंने ले ली उसके साथ आर आर स्क्वायर में मैंने वेक्टर ले लिए एक देखो एक डिब्बा पड़ा हुआ है इस तरह मैंने आपको समझा रहा हूँ देखो समझाने का तरीका देखो मैंने एक डिब्बा ले लिया ठीक है और एक स्टूडेंट उसको इस बक्से को वन स्टूडेंट इज पुलिंग इन दिस डायरेक्शन विद अ फोर्स V1 लाइक 2 और 0 एंड अदर स्टूडेंट इज स्ट्रेचिंग इन दिस डायरेक्शन V2 एज -1 और 0 नाउ माई क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट वट आई वॉन्ट एज अ टीचर आई एम जस्ट लुकिंग अब दो स्टूडेंट मेरे सामने इस बक्से को एक इस साइड पर खींच रहा है बक्से को एक दूसरा और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ आई एम ऑब्जर्विंग What I want that ये बक्सा मूव ना करे I want that this box should not move. Now, अब आप मुझे बता दे Now you tell me, how much V1 should we apply? How much times? You have to tell me the scalars. How much time V1 should be applied on the box and how much the V2, ये दूसरा वेक्टर हम अप्लाई कर लें कि नेट इफेक्ट उसका जीरो हो यानी उस बक्से पर कोई फर्क ना पड़े एंड वी गेट आंसर जीरो द नेट इफेक्ट ऑन द बक्स इज जीरो एंड दिस बक्स डोंट मूव कैन यू टेल मी दो स्केलर्स सो दैट दिस टू वेक्टर कैन कैंसिल ईच अदर इफेक्ट एंड द नेट इफेक्ट कैन बी जीरो मुझे बताएं ऑफ कोर्स वन पॉसिबिलिटी इज हाँ ऑफ कोर्स वन पॉसिबिलिटी इज जीरो जीरो सर यू मे टेल मी सर अप्लाई V1 जीरो टाइम्स एंड V2 जीरो टाइम यहाँ जीरो जीरो स्टूडेंट कैन टेल मी सर फोर्स अप्लाई ना करें ना स्टूडेंट ही मे टेल मी सर डोंट अप्लाई द नो कैन वी दिस इज वन ऑप्शन यस वी हैव दिस ऑप्शन आई विल टेल टू स्टूडेंट डोंट यू जस्ट होल्ड द रोप एंड डोंट पुश सो जीरो जीरो नो इज देयर एनी अदर नॉन जीरो पॉसिबिलिटी ऐसा है अच्छा ना स्टूडेंट नाउ टेल मी बच्चे व्हाट इज योर नेम यस सर 1 और 2 आप कौन है अवेश Uwais, Uwais, achha, mujhe, you are telling 1 and 2. 2.
Okay, let me check whether you are right or wrong. Let me check this. Okay, one, you mean that first student should apply one times this force in this direction, one times. Okay, let me check whether you are right or wrong. Let me verify. This is a 2 over 0 and plus 2 minus 1 over 0. Let me check whether truly is a 0 aata hai ki nahi. It is a 2 over 0, 1 multiply, and now 2 multiply, so minus 2 over 0. Okay, so now we add them. So 2 minus 2, you know, this with this, they added, and 0 with 0. Yes. 0 with 0 is equal to 0. Okay, so mean that we get, yes, 0 of the vector space. Yes, 0 is equal to 0. Do remember here, yeah, we have put 0, mean that 0 of the vector space, and of course 0 of the vector space means 0 0. Yes, you're right. Yes, you are right. Acha, ab dekho, ha bilkul aapne waste theek kaha. To iska matlab kya hua? Iska matlab ye hua ki ye dono forces, these two vectors are actually affecting each other. Ek dusre ko par asar andaaz hoti hai, depend kar rahe hain ek dusre par. Because hame aise non zero scalars mil gaye, waste ne mujhe bata diya non zero scalars usne. To iska matlab ye hai ki ha, baksa move nahi karega, aur ye do vectors ek dusre par asar andaaz hote hain, ek dusre ke effect ko cancel kar sakte hain. तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं वेक्टर स्पेस में. अब इसी स्पेस में मैं आपको ऐसा ग्रुप बताऊंगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर इनसार नहीं करेंगे. दे विल नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. सो इन अ वेक्टर स्पेस वी कैन हैव लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, एंड इन अ सेम वेक्टर स्पेस वी हैव लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. सो इजी. So you mean that here linearly, so what is the definition? Chale, now let us make a definition together. So we don't need to memorize the definition. Two vectors, let us make the definition now. Two vectors, suppose vectors in a vector space. Now let us make a complete definition. Let we have any vector space over some field F, and we have vectors in that vector space, suppose v1, v2 and up to vn, doesn't matter the numbers. We say that these vectors are linearly dependent. If we can find non-zero scalars, at least one non-zero scalar such that their linear combination, the linear combination mean the sum of scalar multiplied by the vectors, that linear combination can be zero, then we say that these vectors are linearly dependent. So simple. Now let me give you the example of linearly independent, and I'm going to ask you again the question. You need to answer me. We are not going to read from the notes. Linearly, I'm sorry, let me write it quickly. Linearly independent now. Linearly independent vectors. Achha. Now, linearly independent vectors kya hai? Again, an example, this in similar fashion. This is a okay, suppose this is your y, this is your y-axis, this is your x-axis. Okay, there is a box, I'm sorry, ye wo box hai, pada hua hai. Acha, अब अच्छा, ये किस वेक्टर स्पेस में हम बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं. पर्टिकुलर एग्जांपल हम ले रहे हैं भाई. अच्छा, ये आर स्क्वायर आपका हो गया. इसके साथ फील्ड बच्चों क्या है? इसके साथ जो है फील्ड जो है वो आर है. ये आपका फील्ड हो गया आर. अच्छा बच्चों, अब सपोज एक स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ बच्चों आप इसको इस बक्से को खींच लें, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? वो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है? ये आपका हो गया v1, हो गया आपका सपोज वो ये है 1 over 0. स्टूडेंट उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है इस बक्से को, ठीक है? मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूँ कि
ऐसे वेक्टर्स जो दूसरे पर इनसार नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को रोक नहीं सकते, असरअंदाज नहीं होते। अब उसकी मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक वेक्टर स्पेस में ऐसा ग्रुप भी वेक्टरों का होता है जो दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, और ऐसा ग्रुप भी होता है जो दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते, एक दूसरे से कोई काम उनका नहीं होता। अच्छा, ये आपका हो गया वी टू, वी टू आपका क्या हो गया, ये बच्चे वी टू आपका हो गया 01, ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया। ओके, नाउ ऑफ कोर्स बट व्हाट एन ऑब्जर्वर, एज माय स्टूडेंट आर पुलिंग दिस बॉक्स, बट एज ऑब्जर्वर आई वांट दैट दिस बॉक्स शुड नॉट मूव। ओके, और वो स्टूडेंट खींच रहे बक्से को मगर ये मूव ना करे, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर ले, मैं ये चाहता हूं। अगर ऊपर वाली एग्जाम्पल आप देख लें तो ये वैक्टर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। एक बंदा इस साइड पे कैच रहा है, दूसरा बंदा एक, तो वो नेट इफेक्ट उस पर जीरो आ रहा था, बॉक्स वाज नॉट मूविंग, सो वेक्टर्स वर लीनियरली डिपेंडेंट एक्चुअली। बट हियर इन दैट केस लेट्स सी वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट आर नॉट, हमें ये भी देखना होगा। तो अब देखिए जरा, नाउ आई एम आस्किंग स्टूडेंट्स, ओके दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस बॉक्स, सो यहां मैं लिख रहा हूं हाउ मच टाइम्स दे शुड अप्लाई वी वन, पहला फोर्स कितना बक्से पर अप्लाई कर ले, एंड हाउ मच टाइम्स दे शुड अप्लाई वी टू, एंड वट आई वॉन्ट दैट बक्स शुड नॉट मूव, आई वॉन्ट दैट द नेट इफेक्ट शुड बी जीरो, एज ए टीचर आई वॉन्ट दैट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बक्स मूव ना करें, क्योंकि दो स्टूडेंट्स को खींच रहे हैं इस बक्से को, एंड दिस जीरो मीन ऑफ कोर्स जीरो ऑफ अ वेक्टर स्पेस, एंड वेक्टर स्पेस ऑफ कोर्स इज हियर आर स्क्वायर, सो जीरो मीन जीरो जीरो, जीरो एलिमेंट मीन zero of the space. Now the net effect, that is what I want. If I ask you the scalar, you will tell me, sir, of course one possibility is that student should not apply any force on the box, zero times v1 and zero time, I will tell you, okay, yes, this is one possible solution, but tell me any other option. Zero zero is of course choice of zero zero scalars is okay, fine. Now I'm just asking you, tell me any other choice. इसके अलावा कोई है चॉइस? कैन वी फाइंड नॉन जीरो स्केलर्स सच दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बिकम जीरो? नो सर। नाउ दिस ऑफ कोर्स, सो वी कैन नॉट मेक दिस लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो फॉर नॉन जीरो स्केलर, वी कैन नॉट मेक। सपोज वी ट्राई, लेट अस सपोज वन स्टूडेंट इज सेइंग 1 - 1, सपोज वन स्टूडेंट इज थिंकिंग दैट, बट दिस विल नॉट मेक इट जीरो। हाउ? इफ यू सी 1 × 1 = 0, and here we have -1 × 0 = 1, this will not cancel them, look, they will simply add, no problem at all. Here we will get 1 was 0, and here you, when you multiply -1 inside, we get 0 - 1, and nothing, but we will get a vector. And this, what it means, iska matlab kya hai? The box will move in some direction. You cannot stop it now. How it will move now? Let us find the direction. 1 - 1. 1 lies over here, and -1 lies here. So it will go in this direction. Because uski wajah kya hai? Because when you multiply v2 by negative, so this force is now opposite in this direction. So one is pulling in this direction box, and one is pulling the downward direction, so box will move in this direction. We cannot stop it. What it means, that it means that, ab dekho, we cannot find such non zero scalars ke uska net effect zero ho jaye. Only one possibility is there, that for only zero scalar the linear combination can become zero. Now let us make a definition together. Definition of what? Linearly independent vectors. Let us make together a definition. Very easy, my dear student, very easy. Let us make it. Let V be a vector space over some field F. Okay. Let we have a group of vectors V1, V2, doesn't matter the numbers. One or thousands. Suppose we have a group of vectors in that, we pick any vectors and any number. This is up to your choice. We have a vector space over some field F, and we pick some number of vectors
from this vector space V, then we say that these vectors are linearly independent. We just write it in a shortcut form. We say that this group of vectors is linearly independent if their linear combination, the combination of the vectors multiplied by the scalars, this is V1, can only be zero. That is, their linear combination can only be zero for zero scalars. Zero is possible. Zero is only possible for zero scalar. Otherwise, they can't make each other zero. Like nowadays, you see in our society, people are trying to make other zero. Okay, so mean that they are linearly dependent if they succeed. Okay, so mean they can make each other zero. But sometimes, there are different people. They cannot, affect each other. So they are linearly independent. So a group of vectors is said to be, linearly independent if their linear combination is zero only for the zero scalars. Only for the zero scalars. Or koi choice now. Or linearly dependent, what was the definition of linearly dependent? Let us wo bhi padh lein. Let us design again that definition, linearly dependent. Again, let V be a vector space over a field F, and we pick vectors from that vector space. Then we say that they are linearly dependent, denoted by LD. We say that they are linearly dependent if their linear combination can be zero. Yani wo ek dusre ko zero kar sakte hain. Their linear combination can be zero. Let me write their linear combination. Their linear combination can be zero for at least one non-zero scalar. Kam az kam aapko ek aisa scalar mil jaye wo non-zero ho. Kam az kam ek non-zero ho. Unka linear combination zero ho sakta ho for non-zero scalar. So we say that they are linearly independent. Aur agar aise vectors ho jiska linear combination tabhi zero ho ke sare zero ho scalars, to wo linearly independent kehlate hain. You can watch this segment of the lecture again and again, because in the book you will not see example like this, because in the book you will not find such explanation, and not like always answer me in this way, mashallah. So you will not able to find. So both group are in the front of you. This is group number one, linearly independent and linearly dependent. So shortcut iska matlab yahi hai ki wo vectors jo ek dusre ke effect ko zail kar sake, ek dusre par asar andaz hokar usse net effect zero aa jaye for non zero scalars, to wo linearly dependent hote hain. And suppose those group of vectors whose linear combination, wo ek dusre par asar andaz nahi hote, their combination can be zero only when scalars are zero. You don't apply a force. All our forces are applied zero time, and then their net effect is zero. So such vectors are linearly independent. Ek dusre par nisar nahi karte, ek dusre ke effect ko zail nahi karte. Wo direction mein move karega wo baksa, theek hai? To ye basic uski jo hai na bachcho definition. Acha, to ab hum dekho ye us, and we are going to know about more vector space definition. Okay, my dear student, focus. First definition of this chapter: let V be a vector space over a field F. Let V be a vector space over a field F. The vectors V1, V2 up to Vm. Suppose you have any number of vectors, any number. You have a vector space and you pick some vectors from that space. Then we say that these vectors are linearly dependent. We say that these vectors are linearly dependent. वो एक दूसरे पर इनहसार कर रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इनहसार कर रहे हैं. सपोज एक क्लास है, उसमें से आप एक ग्रुप को उठा दो, ठीक है? तो इस तरह एक वेक्टर स्पेस है, उसमें से वी पिक सम बंच ऑफ वेक्टर्स, मे बी 1, मे बी 10, मे बी 100, डजंट मैटर द नंबर, द साइज. वी से दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, दैट इज दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, लीनियरली डिपेंडेंट ओवर अ फील्ड एफ. इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, दैट इज अगर वहाँ हमें स्केलर्स मिल जाएं, A1, A2 अप टू AM, जितने आपने वेक्टर्स लिए उतने स्केलर्स मिल जाएं फील्ड में से,
not all of them zero, zaruri ke sare zero ho, theek hai, such that their linear combination becomes zero. Now what it means, I'm just revising this definition, but you will be not needing to memorize it because I'm going to give you the concept. Once you get the concept, no need of memorization. Okay, suppose you have a vector space, any vector space, R square, R cube, R4, R complex numbers, CAB matrices, rational numbers. We know that every field is a vector space over itself, rational numbers, many more matrices. Okay bachcho, if suppose you take a bunch of vectors, 1 or 100, doesn't matter the size, then these vectors are said to be linearly dependent if there exist scalars, not all zero, such that the linear combination of these vector can become zero for non zero scalars. Iska kya matlab hai, chale milkar isko, we are let us understand this idea. This is the definition on the first page, which is very simple. So we will love if we get examples. We will get if we get examples. Achha, there is some note, conceptual note. Let us read it together for our knowledge. The set MT is always linearly independent. Every subset of a linearly independent set is also linearly independent. Achha, ye aage, this will be explained onward. My dear student, it will be explained onward. Okay, why MT set is linearly, why it is taken, kyun liya jata? I'll explain it later on. The singleton set is linearly independent. Singleton set hamesha linearly kya hota hai, independent hota hai, kyun hota hai? Let me explain it. Let me explain this note, okay? Taki you have no problem at all. Suppose aapka hai ye hai x axis, y axis, aur ye aapka hai x axis. मैं आपको मिसालें जो दे रहा हूँ, जो वेक्टर स्पेस में कंसिडर कर रहा हूँ बच्चों, वो क्या है, वो आर स्क्वेयर से है, ठीक है, आर स्क्वेयर. और फील्ड ऑफ कोर्स में जो ये आसान है, मैं इसलिए इसमें से एग्जांपल आपको आसानी से समझ आ जाए. सी ए बी नहीं ले रहा, बी वी स्पेस नहीं ले रहा, स्पेस ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वो नहीं ले रहा, मेट्रिस की स्पेस नहीं ले रहा. अच्छा, दे आर सेइंग दैट इफ़ यू टेक ओनली अ सिंगल वैक्टर, फॉर एग्जाम्पल 1 व 1, एनी सिंगल वैक्टर फ्राम अ वैक्टर स्पेस, और अगर वो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो वेक्टर हो, आपको पता है 1 व 1 इधर आता है, ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, दिस इज योर 1 व 1 वेक्टर. तो ये कह रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. ये क्या होगा, ये अगर ये नॉन जीरो वेक्टर है, एक उसमें पड़ा हो, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. वट इज द रीजन ऑफ दैट, लेट मी सी इट अगेन, लेट मी सी द नोट अगेन. द सिंगलटन सेट वी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, अगर वो नॉन जीरो है तो तब, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सो दे हैव शोन अ रीजन बिकॉज व्हेन ए वी इज इक्वल टू जीरो, सो वी नॉट इक्वल ए इज इक्वल, यस. सो यस, दिस इज सो ब्यूटीफुल. देन अब देखो, 1 व 1, हाउ मच टाइम आई शुड अप्लाई ऑन अ बॉक्स सो दैट द नेट इफेक्ट इज जीरो. आप देखो, यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया बाई लाइक दिस फोर्सेज, द वेक्टर मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट फोर्स, but you know, this is something beautiful remedy to understand this concept using vectors, forces. For example, you have this box, okay, or aap usko you are pulling this box with this force vector. Now tell me a number, a non zero number such that net effect is zero. Mujhe aisa number bata de non zero yahan par ke isse jawab hamare paas zero aa jaye. Can you tell me alpha? ऐसा कोई नंबर मुझे बता सकते हो? Of course नहीं, because नहीं वो है नहीं, क्योंकि देखो आप किसी बक्से पर ये फोर्स लगा रहे हो तो उस पर तो फर्क पड़ेगा ना. तो ये देखिए, ऐसा कोई नंबर है नहीं जीरो, सिवाय जीरो के. हाँ, अगर जीरो हो, ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर. देखो, जब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो जीरो की, तो जान ले वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है. दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, उसका जीरो, उसका इफेक्ट जीरो होना एक ही पॉसिबिलिटी है, जीरो.
तो जान ले कि जब ओनली एक ही पॉसिबिलिटी हो जीरो स्केलर की, तो जान ले वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो एक वेक्टर, देखो एक वेक्टर की मिसाल आ गई है कि एक वेक्टर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, यानी वो इफेक्ट नहीं कर सकता खुद को, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा अगर सपोज अगर वेक्टर जीरो है, सपोज अगर एमसीक्यू में ये आ जाए कि ये जो सेट है ये जिसमें सिर्फ एक वेक्टर पड़ा हुआ है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है सपोज। तो अब देखो जीरो जीरो, तो हम अभी जानेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है क्या इंडिपेंडेंट है। व्हाट शुड आई, ऑफ कोर्स देयर इज जीरो जीरो, यहां भी जीरो जीरो है, तो मैं उसको शॉर्टकट करके जीरो वी लिख रहा हूं। मुझे कोई नंबर बता दे नॉन जीरो कि वो मल्टीप्लाई हो जाए यहां पर, टेल मी अ नॉन जीरो नंबर, टेल मी अ नॉन जीरो नंबर कि जीरो हो जाए। सर सारे नंबर, हाँ शाबाश वेरी गुड, सारे नंबर। तो आपके पास तो पूरी जीरो के अलावा भी ऑप्शन है ना, तो याद रखें जब जीरो के अलावा आपके पास ऑप्शन हो एक दो तीन, तो जान लो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। दिस इज अ स्मॉल रेमेडी, ओके व्हाट एंड इजी रेमेडी, इफ फॉर वेक्टर्स यू हैव चॉइसेस अदर देन जीरो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, एंड इफ यू हैव ओनली वन चॉइस of zero so that it becomes zero, the net effect is zero, so mean that wo linearly independent hota hai when we have only one choice, but if you have other choices as well, non zero choices, so do remember such set of vectors will be linearly dependent. So ye linearly dependent set of vectors hain, ye set jo hai ye linearly dependent vectors jisme pade hue hain, aur ye non zero vector hai to ye linearly independent hai. To maine ye note aapko samjha diya, aap is video ko bar bar dekh sakte ho. You can tell me anytime in any lecture, any time during the lecture. Okay, I'm inshallah, I'm there to tell you. Achha. Now we are on the first page. Do remember, we are going very slow. If one of the vectors v1, v2 up to vn is zero, ab dekho mazey ki baat aa gayi. They are saying that if in the list you have a list, and if in the list one of the vector is zero, then all the vector will become linearly dependent, sare vector linearly dependent ho jayenge. Wajah uski kya hai, wajah zara dekh le, wajah aapko maza aa jayega ki wajah, aap wajah ko dekhenge. Okay, let's see the reason. Suppose this is a box, let us again consider the example of box, and let me okay, I'm taking a set of vectors. ये लोग कह रहे हैं कि suppose आप vectors ले लें, एक दो खुद से ले लें, दस करब ले लें, आपकी मर्जी बहुत ज़्यादा ले लें, मगर एक भी vector उसमें अगर zero आ गया, उसमें zero vector आपने शामिल कर दिया, suppose मैं इसमें zero vector शामिल कर रहा हूँ, zero and zero, तो ये कह रहे हैं कि zero zero vector की वजह से वो सारा जो set होगा, this set of vector will become linearly dependent. This will become linearly dependent. What is the reason? I'm going to tell you the reason, and you will really enjoy that. You will understand that. Suppose somebody is pulling that box with three forces. ये box का तीन forces से खींच रहा है. 1-2, 1-1 force and 0-0 force. अच्छा. Let us check their linear combination. Let we call this by v1. ये आपका v1 है. Let denote this vector by v2, and let us denote this vector by v3. ये notation हमने दे दी. अच्छा, तो बहुत आसान. अब ये देखो, ये लोग क्या कह रहे हैं कि zero vector बीच में आ गया तो वो set क्या होगा, linearly dependent होगा. कैसे होगा, मैं बताता हूँ ना, मैं explanation के लिए इंशाल्लाह हूँ ना, मैं बताता हूँ, फिक्र ना करें, सिर्फ गौर करें. आप देखिए, यहाँ स्केलर में हम ज़रब देंगे, यहाँ v2 में इस में ज़रब देंगे, और यहाँ v3 में इसको ज़रब देंगे. जवाब, वी आर चेकिंग के, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है, मैं चेक कर रहा हूँ कि इनका लीनियर कम्बिनेशन जो है, वी नो व्हाट इज़ द लीनियर कम्बिनेशन. आई हैव टोल्ड यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सो दैट आपको लीनियर कम्बिनेशन मीन व्हेन यू हैव वेक्टर्स, यू मल्टीप्लाई देम इन टू द स्केलर and you add them. For example, we have two vector v1 and v2. So unka linear combination ka matlab ye expression hota hai. Ye expression.
ये एक्सप्रेशन क्या है, बजाते खुद एक वेक्टर होता है, नेट इफेक्ट होता है इनका, नेट इफेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी रिगार्डेड एज अ नेट इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, यू से सपोज यू हैव वेक्टर्स, you have scalars, you multiply the scalar with vector and add, this expression is a linear combination and this is a vector itself, ye usi mein ek vector hi hota hai, ye this is this expression also a vector, a net effect hota hai ye. Acha ab sawal ye hai ki hum ye bhi yaad rakho ye zero vector hai, acha ye v3 zero vector represent kar raha hai, hum ye dekhna chahte hain ki ye jo hai ye vectors jo hai teen, ye set jo hai linearly independent hai ya linearly dependent hai, तो वो अब देखो अगर मैं यहाँ जीरो लगा दूं, यहाँ जीरो लगा दूं और यहाँ क्या लगा दूं वन, तो ऑफ कोर्स ये तो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मगर जीरो के साथ वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो के साथ क्या हो जाएगा जीरो, मगर वो ये तो ऑलरेडी जीरो वेक्टर है, वो भी जीरो के साथ क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो आपको पास जो आपका देखो मूवमेंट नहीं करेगा जो बॉडी है, क्योंकि जो नॉन जीरो वेक्टर था उसको तो आपने जीरो कर दिया, ये वाला नॉन जीरो वेक्टर भी आपने जीरो कर दिया, उस आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, मगर जो जीरो वेक्टर है तो ऐसे भी जीरो है, उसको कितनी टाइम अप्लाई करो फर्क नहीं पड़ने का। तो अब देखो नेट इफेक्ट इसका जीरो हो गया, नेट इफेक्ट क्या हो गया जीरो हो गया, सच में फॉर नॉन जीरो स्केलर, कम से कम एक आपको एक ऐसा स्केलर मिल गया, कम से कम इस लिस्ट में एक के नॉन जीरो है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी हैव ऑब्जर्व दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी जीरो फॉर एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर। हमने ये ऑब्जर्व किया कि इन तीन वैक्टरों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो हो सकता है, यानी हमने ये ऑब्जर्व किया कि अल्फा वन वी वन टाइम्स, अल्फा टू वी टू टाइम्स, अल्फा टू टाइम्स वी टू एंड अल्फा थ्री टाइम्स वी थ्री। हमने ये चेक हमने ये ऑब्जर्व किया अभी कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, उनका नेट इफेक्ट जीरो आ रहा है फॉर एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर। और यही तो डेफिनेशन है ना लीनियरली डिपेंडेंट की, वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी जीरो फॉर एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर, कम से कम एक उसमें नॉन जीरो हुआ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। एक दूसरे पर इंसार कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे पर इंसार कर रहे हैं, एक दूसरे को खराब कर रहे हैं और इनका बक्से पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उनका नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया फॉर नॉन जीरो, एक कम से कम एक नॉन जीरो स्केलर, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर कोई मसला हो मुझसे आप पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, मैं इस पर खफा नहीं होता प्लीज। अच्छा अब खूबसूरत, बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस हैं ये, एग्जांपल्स आ गया, एग्जांपल को करते हैं फिर छुट्टी करेंगे हम, एक एग्जांपल को करते हैं फिर हम छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह। आप तवज्जो फरमाएं क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। Check whether the following vectors in R cube. Do remember here vector space is R cube, and field does not mention. Field is R. When field does not mention, field is a natural field which is R now. Check whether the following vectors are linearly dependent or not. ये तीन vectors given है, हमें check करने की एक दूसरे पर इनसार कर रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब कि एक दूसरे के effect को cancel कर सकते हैं कि नहीं। For of course we need to see that. तो अब देखो मैं आपको पहले एक बात बता दूं इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम करेंगे कैसे। माय डियर स्टूडेंट, वन वेक्टर वी विल कॉल वी वन, अदर वेक्टर वी विल कॉल इट वी टू, एंड थर्ड वेक्टर वी विल कॉल इट वी थ्री। ओके, ये हमने तीन वेक्टर्स दिए हैं ना, देन व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, वी विल से दैट सपोज वी हैव स्केलर्स अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी विल से अल्फा टू वी टू, please focus, I'm going to conclude the lecture, alpha 2 v2 plus alpha 3 v3, we will suppose that, suppose we have scalars, we don't know right now, hame nahi pata ki wo zero hai ki nahi, hum suppose karenge, suppose hamare paas aise scalars hain alpha 1 alpha 2 and alpha 3, ab dekho in vectors ki linearly dependent or independent ka faisla to scalars karenge na, agar scalars sare zero aa gaye to wo इंडिपेंडेंट है, और अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इनका डिपेंडेंट का फैसला कौन करेगा, स्केलर्स करेंगे। तो हम सपोज कर लेंगे कि सपोज हमारे पास स्केलर्स हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से आ रहा है जीरो, ठीक है, अब हम स्केलर्स की तलाश करेंगे, वी विल फाइंड दो स्केलर के स्केलर्स जीरो आते हैं क्या नॉन जीरो आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो
कि स्केलर जीरो आते हैं क्या नॉन जीरो, चलो मिलकर पढ़ो और इसको एंजॉय करते हैं। देखें जरा, सपोज दोस डिनोट दो स्केलर्स बाय एक्स वाई जेड, एंड सपोज व्हेन वी मल्टीप्लाई देम इनटू दिस, एक्स मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट वेक्टर प्लस वाई मल्टीप्लाई टू द सेकंड वेक्टर प्लस जेड मल्टीप्लाई टू द थर्ड वेक्टर, सपोज दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन बिकम जीरो। Now let us see what is the nature of this x, y, z. Okay, now we carry on. We multiply x inside. You know how to multiply scalar into the vectors. You know R cube mein aapko tarika pata hai. Andar saron mein multiply hoga. Z is well also multiplied with each component inside zero. Now you know that how we add in R cube. R cube mein vectors ko kaise jama karte hain? First with first and this with this. So this is your first component. Comma minus 2x plus y minus 4z. Teen vector jama ho rahe hain. X माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका एक वेक्टर आ गया। और राइट हैंड साइड आपको पता है जीरो ऑफ आर क्यूब मीन जीरो जीरो जीरो। अच्छा नाउ अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटीज ऑफ टू वेक्टर, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर, दिस इज हाउ द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू वैक्टर्स, एंड थर्ड कंपोनेंट थर्ड के बराबर। अब तीन स्केलर्स हैं एक्स वाई जेड और उनके लिए यू गॉट थ्री इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व बाई एनी मेथड, बाई कटिंग एंड यू नो एलिमिनेशन और whatever you like. When you simply start subtracting them and adding them, very simply you can do this. Calculation is here also, this will guide you whichever you like, matrices method or cutting elimination method, this is up to you my dear students. So when you solve them, above system has one free variable and so has non-zero solution. Achha. You will see after cutting you will get this equation. Let me write, yes in voice is is tarah reduce ho jayenge na, 1 to 7, 1 to 7 mean that x plus 2y plus 7z is equal to 0. This is first equation, so call it equation number A suppose. Acha, after simplification what is the second equation? Let me see, y plus 2z, y because x is 0, so y plus 2z, y plus 2z is equal to 0. This is your second equation. Theek hai, ab dekho ye aapke paas aa gaye. Now what it means, iska matlab ye hai ki aapke paas the unknowns are 3 but the equations are 2. Okay, you may tell me sir solve it. Okay, I'm solving it for you people and just concluding the lecture. From here if you see y is equal to minus 2z, y depends on z. Okay, so this is one. Now putting that value in the above equation, put in this equation, isme put kar le, so hamare paas kya aa jayega, x y की जगह जब आप मनफी 2z पुट करेंगे तो मनफी 4z आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मनफी 4z आ जाएगा और प्लस 7z आ जाएगा इज इक्वल टू 0. अच्छा तो यहाँ से बच्चों आपका यहाँ से आ जाएगा x प्लस, इन दोनों से प्लस 3z आएगा ना, वहाँ जाएगा तो माइनस 3z होगा, यू विल हैव माइनस 3z. अच्छा यू हैव दिस, सो आपका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू, व्हाट इज द सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज मनफी 3z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, मनफी 2z, एंड जेड इटसेल्फ इज जेड. आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ गए, कैसे, अब देखो इनफाइनाइट इसलिए आ गए कि जेड को वैल्यूज देते जाओ, जेड को वैल्यूज देते जाओ, स्केलर्स का आते जाएंगे. अब सपोज अगर हम जेड को वन चूज कर लें, तो z को 1 चूज करेंगे तो उसके मुताबिक x आएगा. z की आपकी मर्जी को ट्राई कर सकते हो, कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी. सो x की वैल्यू आ जाएगी मनफी 3, y की वैल्यू आ जाएगी मनफी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 1. अब देखो आपके पास नॉन जीरो स्केलर्स आ गए, ये स्केलर्स की वैल्यूज थी ना, अल्फा बीटा या एक्स वाई जेड की वैल्यूज थी. सो वट वी हैव ऑब्जर्व, वी हैव ऑब्जर्व दैट कि जो स्केलर्स है वो नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब है वो फोर्सेस एक दूसरे को, दीज फोर्सेस आर एक्चुअली इफेक्टिंग ईच अदर, दे आर डिपेंडिंग, दे कैन मेक ईच अदर जीरो. इफ यू सिंपली मल्टीप्लाई
If you simply multiply the first force with minus 3, first factor by minus 3, the second by minus 2, and the third by 1, the net effect can be 0, meaning that x multiplied by the first plus y multiplied by the second or plus z multiplied by the third. So, unka net effect kya raha hai bacho? 0 aa raha hai. To dekho, scalar non-zero aa gaye. Iska matlab ye vectors jo hain, ye ek dusre ko kya kar rahe hain? Ek dusre par inhisar kar rahe hain. Wo linearly dependent hai. Vectors kya hai? Ye vectors jo hai, wo linearly dependent hai. These vectors are linearly dependent because scalars are non-zero. They are cancelling each other effect. They are depending on each other. They can cancel each other effect. So they are linearly dependent. Okay, bacho. So inshallah, this part number 2, we will do it in the next class. Okay. So if you have any question, you can ask me. Okay, bacho. So inshallah, see you in the next class. Allah saro ko kamyab kare.